अस्सलाम वालेकुम। वी गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, और डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और जो डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसेस है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और आरएनए से जो प्रोटीन का प्रोसेस है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और आरएनए से प्रोटीन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और रेप्लिकेशन की तरह पूरे का पूरा डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब नहीं होता, यानी डीएनए कभी भी आरएनए नहीं बनता, सिर्फ एक सेलेक्ट पार्ट होता है जो कि आरएनए बनने में काम करता है, ठीक है। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन आइडेंटिफाई करता है, वो एक साइट होती है डीएनए के ऊपर, उसको हम प्रोमोटर साइट कहते हैं, वो वहां से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है, ठीक है। और जब उसने एंड होना होता है वहां पे भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि टर्मिनेटर का काम कर रहा होता है, और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब रेप्लिकेशन की तरह इसके भी तीन स्टेप्स हैं। पहला इसका स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा इसका स्टेप है इलोंगेशन, और तीसरा इसका स्टेप है टर्मिनेशन, ठीक है। अब इसकी जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेप्लिकेशन से डिफर है, क्योंकि इसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। रेप्लिकेशन में प्राइमर रिक्वायर होता है, जब तक प्राइमर थर्ड एंड पे जाके अटैच नहीं होगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आरएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद वहां पे जाके उसको इनिशिएट करवा सकता है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आरएनए के स्ट्रैंड को बनाना है, तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होगा वो आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम यूज होगा, क्योंकि आरएनए डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम है। दूसरी चीज़ ये कि ये कहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। डीएनए का जो छोटा सा फ्रेगमेंट है, जो जीन है, जीन एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है, और उसके ऊपर इनिशिएशन साइट होती है जिसको हम प्रोमोटर साइट कहते हैं। सबसे पहले वो अनवाइंड करता है वहाँ पे जहाँ पे प्रोमोटर साइट होता है, ताकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड काम करता है, एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, तो इसलिए हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होगी। लेकिन जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल थी, एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है, और एक जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कर रहा होता है। 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन दोनों में ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और हमेशा 3 to 5 एंड में ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो स्टार्ट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरेंटल स्ट्रैंड। और न्यू स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। अब यहाँ पे क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर साइट पे नहीं जा सकता, तो वहां पे एक फैक्टर है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। वो सिग्मा फैक्टर उसको उस साइट पे हेल्प करता है कि वो उस साइट पे जाए और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करे। अब जो सिग्मा फैक्टर है इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ होलो इंजाइम, और होलो इंजाइम में अल्फा पार्ट भी होता है, दो बीटा पार्ट होते हैं, और एक साथ में सिग्मा फैक्टर होता है। अब अगर इस इंजाइम में से आप सिग्मा फैक्टर को एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी जो इसके पार्ट्स बच जाते हैं वो कोर इंजाइम होता है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर हेल्प द आरएनए पॉलीमरेज टू रीच एट द प्रोमोटर साइट एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये डीएनए है, दो स्ट्रैंड है, एक जो इसका स्ट्रैंड है वो 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड है वो 3 to 5 डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोमोटर है, प्रोमोटर का वो एंड जो कि एक थर्ड एंड पे अटैच्ड है वो थर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे एक्ट करेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे एक्ट करेगा। यानी कि जो स्ट्रैंड है सिर्फ वही आरएनए बनाएगा, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कभी भी आरएनए नहीं बनाता, ठीक है। और प्रोमोटर को कैसे पता चलता है कि उसने यहाँ पे जाके अटैच होना है, वहां पे सीक्वेंस होता है, डाटा बॉक्स होता है, यानी कि थायमिन और एडेनिन का सीक्वेंस होता है, और इसके साथ साथ का इनके थायमिन गवानिन और एडेनिन का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जो कि सिग्नल के यहाँ पे उसने जाके अटना, और यहाँ से उसने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखनी है कि जो
टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका एक दूसरा भी नाम है, उसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोमोटर है वो ट्रांसक्रिप्शन की एफिकेसी को इंक्रीज कर देता है, और किस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑब्जर्व इन इकोलाय के देयर वर टू प्रोमोटर वर प्रेजेंट एट दैट पार्ट, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया था। जबकि एक और एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है कि एक और प्रोमोटर साइट जो कि सिर्फ एक ही डीएनए के ऊपर एक ही प्रोमोटर है, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस वो 10 मिनट तक गया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो -10 और -25 पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस जो है वो इतना ज्यादा क्लोज होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी ज्यादा स्पीड होगा। और इसे किसी एक में भी म्यूटेशन आ गई है इवन इन अ सिंगल बेस, तो जो प्रोमोटर की एफिकेसी है वो खत्म हो जाएगी, और इसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, इवन कि उसको इनिशिएट भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद उस स्ट्रैंड पे जाके अटैच नहीं हो सकता, इसको सिग्मा फैक्टर रिक्वायर होता है, तो सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके अटैच हो जाता है और उसको इस साइड पे छोड़ के जाता है। जब एक दफा जब आरएनए पॉलीमरेज इस साइड पे अटैच हो जाता है, तो सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए, क्योंकि डीएनए पहले अनपेयर होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से अनपेयरिंग हुई है। इसका मतलब है सिर्फ इतने से पार्ट ने ही आरएनए बनाना है, इस पार्ट ने और इस पार्ट ने आरएनए नहीं बनाना। इवन अगर इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टर्मिनेशन का सिग्नल आ गया, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आरएनए बनेगा, लेकिन अगर टर्मिनेशन का सिग्नल यहाँ पर है तो ये जो स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड है ये भी पहले अनवाइंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, तो यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग करेगा। दूसरा इसका जो स्टेप है वो इलोंगेशन का है। इलोंगेशन का मतलब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके सराउंड में जितनी भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगी वो वहां से उसको कलेक्ट करेगा और इसके साथ जाके अटैच कर देगा, ठीक है। अब आरएनए के अंदर क्योंकि थायमिन नहीं होती है, उसके पास यूरेसिल होती है, तो जहां जहां पे भी एडिनिन आएगा उसके साथ वो यूरेसिल को अटैच करता जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे थायमिन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके सामने वो एडिनिन को अटैच करता जाएगा, इवन कि ये अपने अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस को अटैच करता जाएगा, और जितना भी डीएनए के स्ट्रैंड इसको रिक्वायर होता है वो उसको प्रिपेयर कर देता है, और ये सारा प्रोसेस इलोंगेशन में होता है। इलोंगेशन के बाद इसकी प्रूफ रीडिंग होती है, और प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई नाइट्रोजिनस बेस गलत अटैच हो गई है तो उसको करेक्ट किया जाता है, और टर्मिनेशन से पहले ही ये काम किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग में काम करता है वो है फॉस्फोरोलाइसिस, एक एंजाइम है, ठीक है। और इसकी प्रूफ रीडिंग को हम काइनेटिक प्रूफ रीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारी है, यहाँ पे वो चेक करता है कि ये साइटोसिन है, थायमिन, और ये सारी की सारी जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके साथ उसने करेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस को अटैच किया है, और अगर इन केस यहाँ पे कोई गलत नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गई है तो उसको पहले करेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो उसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो स्टेप है वो टर्मिनेशन का स्टेप है, और टर्मिनेशन पे भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि सिग्नल देता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए। और जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप होता है तो आरएनए पॉलीमरेज उस स्ट्रैंड से खुद नहीं रिमूव हो सकता, तो उसकी रिमूवल के लिए भी एक फैक्टर चाहिए होता है, और उस फैक्टर को हम कहते हैं रो फैक्टर। जिस तरीके से उसको इनिशिएट करवाने के लिए फैक्टर की जरूरत होती है, ऐसे ही उसको वहां से रिमूव करवाने के लिए भी फैक्टर की जरूरत होती है, और वो रो फैक्टर है, ठीक है। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को वहां से रिमूव करवा देते हैं जब भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब जो हमारा आरएनए बन जाता है, आरएनए बनने के बाद फॉर एग्जांपल ये है आरएनए जो कि ट्रांसक्राइब हुआ, यानी कि ये आरएनए बन गया। अब इस आरएनए को हमने साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन अगर हम इसको एज इट ही साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट सेल करवा दे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिग्रेड कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। इसका एक एंड एंड जो है वो थर्ड एंड होता है, और दूसरा इसका एंड जो है वो फाइव एंड होता है, ठीक है। थर्ड एंड पे पोली ए टेल यानी कि बहुत सारे एडिनिन को अटैच कर दिया जाता है, और फाइव एंड पे इसकी जीटीपी की कैपिंग की जाती है ताकि इस आरएनए को प्रोटेक्ट किया जाए और वहां पे जाके ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट करवा सके।
दूसरा है इस आरएनए के पास इंटरॉन और एक्सॉन्स होते हैं। एंटरॉन जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो एंटरॉन को रिमूव किया जाता है और सिर्फ एक्सॉन को रखा जाता है, और उसके बाद कैपिंग और टेलिंग की जाती है, और उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म में जो है वो सेंड किया जाता है, ताकि वहां पे जाके ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाए।